घेर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बहराइच में युद्ध स्तर पर भेड़ियों के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच बड़ी अपडेट ये कि एक गांव में भेड़िए को घेरा गया है। गांव वालियों ने ही भेड़िए को घेर लिया है। हिंदू पूर्वा में एक भेड़िया घेर लिया गया है। आपको बता दें कल भी भेड़ियों का अटैक हुआ है जिसमें एक बच्चे की मौत हुई है, एक बुजुर्ग महिला घायल हुई है। मुख्यमंत्री ने खुद इसको आपदा घोषित किया है और कहा है कि हर साल पकड़े जाना चाहिए भेड़िए को। और इस वक्त खबर ये कि बहराइच के हिंदू पूर्वा गांव में एक भेड़िए को गांव वालों ने घेर लिया है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राजीव, क्या ताजा अपडेट आपके पास? लोगों ने लाठी डंडों से भेड़िए को घेरा है, क्या प्रशासनिक मदद भी उन तक पहुंच पाई है? प्रशासन पहुंच पाया उस लोकेशन तक? अब देखिए, इस वक्त मैं बहराइची महसी क्षेत्र के उसी हिंदू पूर्वा गांव में खड़ा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो ग्रामीण हैं उन्होंने इस मक्के के खेत में इस आदमखोर भेड़िए को घेर रखा है। आपसे कुछ देर पहले इन ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर एक भेड़िए को देखा गया है जो एक बच्ची को उठाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि आज तड़के सुबह करीब 4 बजे ही पड़ोस के गाँव में इस भेड़िए ने एक मासूम बच्ची को शिकार बनाया है, जिसके चलते भेड़िए के हमले में उसकी मौत हुई है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस वक्त जो भेड़िया है वो इधर भागा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ खेतों में जो किसान है, जो ग्रामीण है, वो लाठी डंडे और भाला लेकर इस वक्त उसको घेर के रखा है। वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी गई है और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि चाहे वो महिलाएं हो चाहे ग्रामीण हो, वो इस पूरे ऑपरेशन में डटे हुए हैं। एक बार दादा कहां पर दिखा है भाई भेड़िया? इधर है, यह जगह खान है, इस खेत में है भेड़िया, यह खाले खाहा पर, खाहा पर जंगल में बैठा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सभी लोग यहाँ पर इस पूरे मक्के के खेत में लगे हुए हैं, न सिर्फ एक तरफ से बल्कि हर तरफ से इसको घेरा गया। इस दौरान वन विभाग की टीम को भी जानकारी दी गई है कि वो यहाँ पर तत्काल ड्रोन कैमरे लेकर पहुंचे ताकि यहाँ पर ग्रामीणों के साथ उसे यहाँ से बाहर निकलने ना दिया जाए। आप सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ पर भेड़िया देखा था, कितनी देर पहले? इसी जगह पर देखा गया था, इधर देखा गया था, एक घंटे पहले इधर देखा गया, घर के पास भी। हाँ। जी, तो आपको भरोसा है कि यहीं है? अभी यहीं पे है, मेरे को भरोसा है, यहीं पे है, अभी गया नहीं है कहीं पे, यहीं पे है भेड़िया। अगर जो आता है तो लाइट कट जाती है तुरंत। इधर रोड के उस पार में जोंधरी मकई के पास में था। हाँ। हम लोगों ने 3 आदमी गए टॉर्च और लाठी लेके, तो हम लोगों को चहटा, हम लोग वापस भागे। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो हैं उधर ट्रैक्टर से लेकर भी खड़े हैं और हर तरफ से इस पूरे खेत को घेर रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि जो ये आदमखोर भेड़िया बीते 48 घंटे से इस इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ है उसको किसी भी कीमत पर पकड़ा जाए, क्योंकि पड़ोस के ही गांव में आज इस भेड़िए ने तड़के सुबह हमला कर एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारा है, जिसको लेकर हर वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो या बच्चा हो। बाबा, कहां दिखा है भेड़िया? तमाम लोग यहां पर बैठे हैं। भेड़िए कहां दिखा है? इधर अभी मैं आया हूं। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सर्च ऑपरेशन जो ग्रामीणों का है, उन्होंने खुद इस पूरे ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाल रखी है, क्योंकि वन विभाग को कई बार सूचना दी गई। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है तब तक ये सातिर भेड़िया जो है मौके से फरार हो जाता है, क्षेत्र से निकल जाता है। इसीलिए अब ये सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन इन ग्रामीणों ने खुद शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग इस वक्त घरों से निकलकर इस खेत के आसपास आकर खड़े हुए हैं। हर तरफ से प्रयास किया जा रहा है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, सभी लाठी डंडे लेकर, भाले लेकर इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि ये यहां पर पहुंचे हैं। इनको अब लगता है कि वन विभाग के भरोसे ये सर्च ऑपरेशन नहीं छोड़ा जा सकता, अब ये कमान खुद संभालनी होगी, वरना ये आदमखोर भेड़िया किसी दिन इनके बच्चे को भी शिकार बना सकता है। आप देख सकते हैं कि एक टीम इधर है, आगे पानी भरा हुआ है, दूसरे जो ग्रामीण हैं वो दूसरे छोर पर घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। बीते एक घंटे से ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर, जब तक वन विभाग की टीम मौके पर न पहुंचे तब तक इस भेड़िए को इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देना है। अब देखना ये होगा कि मौके पर ये टीम कब पहुंचती है, क्या यहाँ के लोग ग्रामीण इस भेड़िए को पकड़ने में कामयाब होंगे या एक बार फिर ये सातिर भेड़िया इनके चंगुल से बाहर जाता हुआ नजर आएगा। लगातार बहराइच में
हो रहे भेड़िए के हमले को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निर्देश दिया है कि जो चाहे बहराइच हो, सीतापुर हो, बिजनौर हो, लखीमपुर हो, वहां पर शासन के बड़े अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और आसपास के जिलों के विशेषज्ञों की टीम मौके पर लगाई जाए ताकि इन आदमखोरों को पकड़ा जा सके और मौतों का सिलसिला जो है उसे रोका जा सके। और यही कारण है आप खौफ का आलम देख सकते हैं कि न सिर्फ ये युवा बल्कि पूरे घरों की महिलाएं भी इस वक्त इन खेतों के बॉर्डर पर खड़ी हैं, मेड़ों पर खड़ी हैं और जो दहशत कायम है उसका खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान वन विभाग की टीम को भी सूचना दी गई है क्योंकि ये बेहद खतरनाक आदमखोर भेड़िया है, इसीलिए ग्रामीणों को बहुत अंदर जाने में भी डर लग रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंचे और इस भेड़िए को पता लगाया जा सके कि एग्जैक्ट इस वक्त भेड़िया कहाँ पर है। तो कुल मिलाकर अब ऑपरेशन भेड़िया की जो कमान है वो इन ग्रामीणों ने भी यहाँ पर संभाल ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस भेड़िए को पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों ने ही इस भेड़िए को घेर लिया है और महिलाएं भी जोर शोर से जो है पूरी हिम्मत के साथ यहां गन्ने और मकई के खेतों में जो है वो दिखाई दे रही हैं। लेकिन राजीव, सवाल ये है कि क्या कोई प्रशासनिक मदद इन तक पहुंच पाई है? ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ट्रैंकुलाइजर गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर जाल बिछाया जा रहा है, तो लोगों ने खुद ही इस जगह को घेरा हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन की मदद क्या इन तक पहुंची है ताकि ये जो क्षेत्र जिस पर लोग दावा कर रहे हैं कि अभी भी भेड़िया यहां है, जल्द से जल्द उस भेड़िए को पकड़ा जा सके। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट ये है कि भेड़िए ने आज सुबह एक और हमला किया है जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई है और एक बुजुर्ग महिला घायल, और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने जब उस भेड़िए को देखा, उसके ऊपर टॉर्च लाइट लगाई, डंडा लेके उसके पास गए तो भेड़िए ने उन पर भी अटैक करने की कोशिश की। भेड़िया भागा जरूर है लेकिन उसी इलाके में है जिस इलाके को इन लोगों ने घेर लिया है। लाठी डंडा भाला लेकर ये लोग खेतों के चारों तरफ उपस्थित हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। राजीव हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। राजीव, ये तो लोगों ने अपनी सूझबूझ से इस इलाके को घेरा है, क्या प्रशासनिक मदद अभी इन तक पहुंची है? तो लगता है राजीव डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एक बार फिर से उनको अपने साथ जोड़ेंगे। लेकिन आपको ताजा तस्वीर और अपडेट बता देते हैं, आज ही सुबह भेड़िए ने एक और हमला किया जिसमें ये बुजुर्ग महिला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं उनको चोटें आई हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन एक बच्ची की मौत भी हो गई है। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है, रात में आदमखोर भेड़िए ने अलग अलग जगह 3 हमले किए और इस हमले में एक बच्ची की जान चली गई। हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरह से घायल हो गई जबकि तीसरे हमले में एक लड़का घायल हुआ है। उधर सीतापुर में भी भेड़िए ने बच्चों पर हमला किया, बच्चों को बचाने के लिए मां ही भेड़िए से भिड़ गई। तो सिर्फ बहराइच ही नहीं, सीतापुर तक भेड़ियों का आतंक है, यहां भी हमले शुरू हो गए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि बच्चों पर हमला किया लेकिन मां ही भिड़ गई भेड़िए से। और एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करते हैं राजीव से। राजीव, बहराइच के हिंदूपुरवा गांव में लोगों ने तो घेर लिया है आसपास सभी खेतों को और उनका यह दावा है कि इसी एरिया में हो सकता है, लेकिन प्रशासनिक ड्रोन भी हैं जिनसे सही सही लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, ट्रैंकुलाइजर्स, गन, इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांस कैमरे और जाल अलग अलग जगहों पर लगाया जा रहा है। तो अभी लाठी डंडे और भालों की मदद से लोग खुद ही भेड़िया ढूंढ रहे हैं या कोई प्रशासनिक मदद हिंदूपुरवा तक अभी पहुंची है? देखिए, फिलहाल अभी कोई प्रशासनिक मदद इन ग्रामीणों को नहीं मिल सकी है क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही इन लोगों ने इस भेड़िए को देखा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि ये लोग अपने स्तर से कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये वेटलैंड है जिसके चारों तरफ से इन लोगों ने घेराव कर रखा है, दूसरी ओर सैकड़ों की संख्या में ये ग्रामीण है। आप देख सकते हैं कि पूरी मेड़ पर जितने संसाधन ग्रामीण स्तर पर जुटाए जा सकते हैं उनके जरिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। वन विभाग की टीम को भी इन्फॉर्म किया गया है कि वो तत्काल पहुंचे क्योंकि अगर इन्हें समय रहते ड्रोन कैमरों की मदद मिल जाएगी तो इस भेड़िए को पकड़ा जा सकेगा, जिसका इंतजार भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरे छोर पर आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ लोग वहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यही वो वेटलैंड है जहां पर चारों तरफ से इसको घेर कर रखा गया है। इंतजार किया जा रहा है कि वन विभाग की टीम यहां पर पहुंचे ताकि आज इस भेड़िए को यहीं पर पकड़ा जा सके, लेकिन देखना यह होगा कि क्या समय रहते वन विभाग की टीम यहां पर पहुंच पाती है और इस भेड़िए को आज यहां से पकड़ पाती है या नहीं, क्योंकि इसी से चंद कदम दूर महज
3 से 4 किलोमीटर दूर आज सुबह करीब 4 बजे ये भेड़िया एक गांव में घुसा और वहां मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। अब से कितनी देर पहले भेड़िया किस इलाके में कहां पर दिखा था? जी अभी 10 या 1 घंटे हुआ, मतलब उधर मेरा भतीजा देखा, भतीजा नाम का शहबाज नाम का छोकरा है, अपने घर के पास देखा, आदमी को आवाज दिया ये मकई में बिला, मकई से इधर आया, इधर आदमी मेरे चाचा घास लेके आ रहे थे, यहाँ पे देखा गया, यहाँ से किधर ये किधर छुप गया है, इधर ही था, इधर से अभी इधर ही गया, इधर ही आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस जो ये मक्के का खेत है इसके बाद वेटलैंड है यानी पानी भरा हुआ है, इसके कारण जो ग्रामीण है आपको ये इस पूरे इलाके की मेड़ पर नजर आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चारों तरफ से ग्रामीणों ने, इस गांव के लोगों ने इसको घेरा है ताकि ये जो भेड़िया है यहां से आज बच के ना जा सके, और दूसरी ओर वन विभाग की टीम को बुलाया, इन्फॉर्म किया गया है ताकि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ टीम यहां पर पहुंचकर एक बार फिर इसे पकड़ने का प्रयास करें। अब देखना यह होगा कि वन विभाग की टीम कितनी देर में यहां पहुंच पाती है, क्या वो जो तमाम अत्याधुनिक संसाधन है चाहे वो थर्मल कैमरा हो या फिर ड्रोन कैमरा हो उसके जरिए इस वेटलैंड में छिपे भेड़िया को। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वक्त की जो जरूरत है वो ये है कि प्रशासनिक एड इन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे, प्रशासन का जो साजो सामान टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है वो उस जगह पर जल्द से जल्द पहुंचे ताकि सही तरह से लोकेट किया जा सके, और ये भी देखा जा सके कि जो इनका दावा है ग्रामीणों का कि वो अभी भी इन्हीं खेतों के बीच में उन्होंने उसे घेर लिया है, उसकी सही लोकेशन क्या है और क्या वाकई आज इसको पकड़ा जा सकता है। आपका शुक्रिया अपडेट के लिए, आप नजर बनाए रखिए। और फिलहाल आपको तस्वीरें बता रहे हैं और इन 12 तस्वीरों में आप अब तक की पूरी अपडेट देख पा रहे हैं। आज सुबह ही एक बच्ची को मार डाला भेड़िये ने, फिर से उसने हमला किया, 3 अलग अलग जगहों पर इस भेड़िये ने हमला किया है, गांव बदल रहा है ये भेड़िया, आज यहां अटैक करता है तो फिर दूसरे गांव में अटैक करता है, लगातार गांव बदल बदल के लोगों को शिकार कर रहा है। महिला, एक बुजुर्ग महिला इस हमले में घायल हो गई जिन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, और अमावस की रात किस तरह खतरनाक साबित हुई, 3 अलग अलग जगहों पर इस भेड़िये ने हमला किया काले अंधेरे का फायदा उठाकर, ड्रोन से निगरानी चल रही है, हथियार प्रशासन के पास हैं, भेड़िये ने कुल मिलाकर 10वां शिकार कर डाला है, कैमरे में दिखा है भेड़िया और लंगड़े भेड़िये की तलाश लगातार की जा रही है। और भेड़ियों के हमलों का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है।